स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे के टाइम्स सम ऑफ थ्री टर्म्स के ऊपर। मतलब कि हम यूँ बात करना चाह रहे हैं कि जैसे अगर आपको ये एक बड़ा रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि एक अपनी इसका एक एरिया है, ठीक है, एक अपना स्पेसिफिक एरिया। अगर मैं इसके थ्री कट्स कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर मैं अब यूं कहूँ कि इसके इन थ्री पोर्शंस को अगर हम ऐड करें, ठीक है, तो ये वापस वही रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब कहने का जो मकसद है वो ये है कि फर्ज करें कि मेरे पास एक नंबर है 30, ठीक है, 30 क्या जी, एक नंबर है। अब मैं इसके दो पहले फैक्टर बनाता हूँ, एक बनाता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय, मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है, 30 बन जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो 10 है इसको मजीद डिवाइड करता हूँ मैं 3 नंबर्स के ऊपर। मतलब मैं इसमें लिखता हूँ 3, ठीक है, मैं इसमें लिखता हूँ 5 और मैं इसमें लिखता हूँ 2। अब मैं इस 3 को इन तीनों नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करता हूँ, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 9, ये मेरे पास बन जाएगा 15 और ये मेरे पास बन जाएगा 6। और अगर हम इनका सम करें तो 9 प्लस 6 15 और 15 और 15 ऐड करें 30 ही बनता है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट कही, ठीक है, इसमें अब ये लेंथ अलग है, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये ए लेंथ है, ठीक है, और ये लेंथ उससे मुख्तलिफ है, इसको मैं बी कह देता हूँ, ठीक है। इस नंबर को मैं क्या कह देता हूँ जी, ये मेरे पास बी नंबर है, और ये वाला जो नंबर है ये ए से डिफरेंट है और बी से भी डिफरेंट है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास ये लेंथ जो है ये कितनी है जी, सी है, ठीक है। अब ऐसा है कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी अगर जो विड्थ कह लें इसे, या इसकी आप ब्रेथ कह लें, फर्ज करें इसकी ब्रेथ जो है ये मेरे पास है डब्ल्यू, ठीक है, या के है, चले हमने के की बात की थी, तो इसमें अगर मैं के को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा, उसका एक एरिया आ जाएगा जो कि मैंने इस तरह से शेड कर दिया। मतलब चलिए इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये आ जाएगा। हम ये बात जानते हैं कि किसी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें लेंथ हमारे पास ए है और इसकी ब्रेथ हमारे पास के है, तो ये मेरे पास के ए आ जाएगा, प्रोडक्ट के ए, ठीक है, जो कि इस रीजन को, इस जो ये ग्रीन कलर कर लें या इसको आप थोड़ा सा मुख्तलिफ ग्रीन से मिलता जुलता जो कलर है, इस कलर में आप देख रहे हैं कि ये एक के ए प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से अब ये लेंथ, ये सारी लेंथ के है, के के बराबर है, ये भी के के बराबर, ये भी के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जब इस के नंबर को इस बी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये रीजन आ जाएगा, ठीक है, इसको मैंने शेड कर दिया। तो अब ये वाला जो रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट के बी को, ठीक है, इसको मैं अब यहाँ पर शेड कर देता हूँ, लिख भी देता हूँ कि ये मेरे पास है जी के इंटू बी। और अब अगर मैं के ही को इस सी रीजन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास, मतलब सी नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास ये रीजन आ जाएगा जिसको कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है जी, के इंटू सी है, ठीक है, के इंटू सी। तो ये हम इसको अब यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से अगर हम तीनों रीजन्स को कंबाइन कर लें, इकट्ठा कर लें, तो ये जो होल प्रोडक्ट, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये टोटल लेंथ हमारे पास बन जाती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये टोटल बन जाती है। और इसका प्रोडक्ट अगर ले लिया जाए के के साथ, तो ये सारे ब्लॉक्स जो कि हमने शेड किए हैं सारे एक ही ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये लिखो या आप इनको अलग अलग लिख लो, यानी के इंटू ए प्लस के इंटू बी प्लस के इंटू सी। ये हमारे पास जो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये आपस में क्या रहेंगी जी, इक्वल रहेंगी। अब ये तो एक था ज्योमेट्रिकल वे इस बात को समझने का। अब अगर हम इसके ऊपर जो है वो, मतलब जो हमारा दूसरा प्रूफ होता है अलजेब्रिक प्रूफ, अगर उसके हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, चले मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम इसको लिखते हैं जी, अलजेब्रिक प्रूफ इसका, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देख सकते हैं, देखें, हमने बेसिकली जो यहाँ पर कोई के एक रियल नंबर है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी से, मतलब थ्री टर्म्स के सम के साथ के को हमने इसका के का मतलब इनके साथ प्रोडक्ट लेना है। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करूँ, मैं फर्ज करता हूँ कि जो मेरे पास बी प्लस सी है ये कोई एक नंबर है, मतलब एक सम है,
क्योंकि जो हम अलजेब्रिक ऑपरेशंस अप्लाई कर रहे होते हैं वो हम टू नंबर्स के ऊपर, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि टू नंबर्स का रिलेशन, मतलब दो उसमें क्वांटिटीज हो, ठीक है। अब इधर तो तीन लिखी है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास बी प्लस सी है ये इक्वल टू है किसके जी, ये डी के इक्वल है। तो मेरे पास ये जो है नंबर ये बन जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। और यहाँ पे याद रहे कि जो ए बी सी है, कोई भी जो हमने सेलेक्ट किए ए बी सी और डी, ये तमाम के तमाम जो है ये रियल नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब क्या है कि अगर मैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ, और कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर हम देखें तो के लेफ्ट साइड पर है, मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो के मल्टीप्लाई होगा ए से बी, मतलब के ए से मल्टीप्लाई होगा, और फिर के जो है वो डी से मल्टीप्लाई होगा, के मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये इधर मैंने जो प्रॉपर्टी यूज की है वो भी मैं लिख देता हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो इस्तेमाल की हुई है, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर हम इस प्रॉपर्टी से आगे अब देखें, तो अब जो डी है, डी अगेन किसके इक्वल है, ये हमने यहाँ पर सपोज किया बी प्लस सी के इक्वल है, तो हमारे पास ये बन जाएगा के ए प्लस के, और यहाँ पर क्या आ जाएगा डी की जगह बी प्लस सी। इस पर फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे अगेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा के ए प्लस के इंटू बी और के इंटू सी। तो इस तरह से जो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये थ्री टर्म्स के ऊपर भी वैसे ही होल्ड करती है जैसे टू टर्म्स के ऊपर होल्ड करती है। अब अगर कोई एक एक आध प्रॉब्लम जो है अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, चले मैं इस तरह से कहता हूँ कि अगर हमें प्रोडक्ट लेना है, ठीक है, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ जी -3, चले खुद से बना लेते हैं x² y² z², ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 x³ y² से, ठीक है, -3 x² y³ से, मतलब क्यूब है, और +4 y² z⁵ से, ठीक है। अब हम इनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखें बिल्कुल यही जो अभी ऊपर मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इन सारे नंबर से इन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, और इस लास्ट वाले से भी ये मल्टीप्लाई होगा, थ्री टर्म्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो -3 x² y² z² ये पहले मल्टीप्लाई होगा किसके साथ जी, 2 x³ y² से, ठीक है। फिर ये माइनस, यहाँ पर हम ये जो साइन है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो बाहर प्लस आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर आएगा -3 x² y² z², ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई होगा किससे, -3 x² y³ से, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा, ब्रैकेट आएगी, -3 x² y² z², और ये किससे मल्टीप्लाई होगा, लास्ट टर्म से 4 y² z⁵ से, ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक ये बात हम जानते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं जिनकी बेसिस सेम हो और पावर्स क्या हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाती है, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा -6 आएगा, एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर 3 है, ये कंबाइन हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी मजीद, ये बन जाएंगी 5, 2 प्लस 3 5, वाई स्क्वायर है यहाँ भी वाई स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा वाई पावर 4 और जेड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या आएगा, प्लस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है जी, प्लस, यहाँ पर आएगा 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब जो कोफिशियंट आपस से मल्टीप्लाई होते हैं, 3 3 9, x² कितना हो जाएगा, एक्स पावर 2 प्लस 2 4, y² y³ कितना बना 2 प्लस 3, मतलब यहाँ से y की पावर 2 यहाँ से y की पावर 3 y पावर 5, और z पावर यहाँ पर 2 है यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 2 ही रहेगी। इसी तरीके से अगर हम आगे आते हैं अब, तो -3 -3 +4 से मल्टीप्लाई होगा -12, और -12 प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -12 भी आएगा आंसर, -12 x² आएगा, क्योंकि यहाँ पर x² नहीं है या x नहीं लिखा हुआ, y² है यहाँ पे भी y² है, तो y पावर कितनी हो जाएगी 4, और z पावर कितनी हो जाएगी 2 और 5 7। तो इस तरीके से हमने जो है ये जो अभी आज हमने फार्मूला डिस्कस किया उसको हमने अप्लाई भी किया अपने एक प्रॉब्लम के ऊपर, और देखा कि कैसे हम अलजेब्रा में इसकी मदद से जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।